देश भर में लॉकडाउन का छठा दिन है। सरकार सख्त हो गई है, प्रशासन सख्त हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश भर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 1000 के पार हो गया है और 1024 मरीज अब तक संक्रमित पाए गए हैं कोरोना वायरस के। 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है महाराष्ट्र। सेना के 2 अधिकारियों को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह चिंताजनक खबर है कि कोरोना का जो वायरस है सरहदों पर तैनात हमारे जवानों तक भी पहुंच चुका है, सेना तक पहुंच चुका है। कोलकाता में सेना के कर्नल रैंक के डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून में जूनियर कमीशन अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से पांव पसार रहा है और हमें और ज्यादा सतर्क रहने की और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए आपसे बार बार ये कहा जा रहा है, हम आपसे अपील कर रहे हैं, सरकार आपसे अपील कर रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें और जितनी सावधानी है जो बचाव आपको बताए जा रहे हैं आप उसको जरूर फॉलो करें। अपने सहयोगी का रुख करेंगे, ललित नारायण कानपाल हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ललित, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं आंकड़े पर, हम देख रहे हैं कि 1024 तक आंकड़ा हो चुका है। कैसे देख रहे हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं, सरकारें दावे कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है आपकी हमारी और सरकार की सभी की चिंताओं को बढ़ा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सपना, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये आंकड़ा दिनों दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परसों 153 मामले निकल कर सामने आए, उसके बाद कल भी काफ़ी मामले निकल कर सामने आए हैं। अकेले 23 मामले कल दिल्ली में निकल कर आए, जो कि ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्तर पर भले ही बेहतरीन तैयारी होने का दावा कर रहे हों, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह से तैयारी हम कर रहे हैं शायद अब वो वक्त है कि एक बार फिर से या तो जो लॉकडाउन चल रहा है उसे फिर से सख्त बनाया जाए और या फिर सरकार अपनी कुछ जो सोचने का तरीका है, फील्ड पर काम करने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ऐसा लॉकडाउन है जो ये लगातार नंबर्स को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत को टेस्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए, अगर हम टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे फिगर्स भी बढ़कर निकल के सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर कई सारी चीजें हैं। ललित, आप ये जो फिगर देख रहे हैं बढ़ता हुआ, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और एम्स के पूर्व निर्देशक हैं, महानिदेशक हैं, उन्होंने यही चिंता जाहिर की थी कि अगर ये संक्रमण घर घर तक पहुंचा और ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है बाद में अगर निकल कर आया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि चलिए अब आंकड़ा तो नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ते बढ़ते 72 अकेले दिल्ली से बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब जरूरत है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि अब कारगर साबित हो रहा है, हमें टेस्टिंग को बढ़ाना ही होगा। और आप स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार पहुंच रहे हैं, उनकी तैयारियां क्या है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाना बहुत बड़ी डिमांड हो चुकी है समय की। देखिए, लगातार भारत सरकार ने जो अपनी टेस्टिंग क्षमता है उसको बढ़ाने को लेकर काम करना तो शुरू कर दिया है। सरकार ने तकरीबन सारी एजेंसियों को लगा दिया है इसमें, जैसे DRDO है, BEL है, इन सारी कंपनियों को लगा दिया है ताकि वो जो टेस्टिंग किट से लेकर जो वेंटिलेटर बनाने तक का काम है उसको संभालें। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर देखा जाए तो जिस तरह से घटनाक्रम हम बदलता हुआ देख रहे हैं, आज की डेट में भारत में 70,000 टेस्टिंग किट मौजूद हैं, तो उन 70,000 टेस्टिंग किट में सभी राज्यों को उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनकी आबादी के अनुसार। और देखिए, जिस तरह से मामले निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें अब ये निश्चित तौर पर महसूस किया जा रहा है कि हमको अपनी टेस्टिंग क्षमता को शायद बढ़ाना चाहिए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि उन्हें नहीं लगता कि टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी तक 1,024 मामले आ चुके हैं तो उसमें उनकी जो टेस्टिंग क्षमता है वो पर्याप्त है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये पर्याप्त है तो फिर लगातार नंबर्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? लगातार जितनी भी टेस्टिंग हो रही है वो ज़्यादातर, अब दिल्ली में एक साथ 23 मामलों का सामने आना क्या बताता है? क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, क्या फिर ये किस तरह का ट्रांसमिशन है? इसको लेकर जो है सरकार अपने स्तर पर बात कर रही है। हालांकि ये लोग पहले से ही सस्पेक्टेड थे, तो ये वो लोग हैं जो पहले से सस्पेक्टेड थे और वो बाद में कंफर्म हो गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए आज की डेट में दिल्ली में हजारों लोग क्वारंटाइन किए हुए हैं,
जिनको कि जिनको जो कि विदेशों की यात्रा करके आए हैं या उनके संपर्क में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अब सरकार ने एक ये भी कह दिया है कि अगर क्वारंटाइन किया हुआ कोई आदमी बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो सरकारें अपनी तरफ से कदम तो उठा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कदम ज़मीन पर कितने दिखाई दे रहे हैं और उनका असर जो है कितना हो रहा है। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रयास सफल तभी होंगे जब हम कोरोना के इस बढ़ते फिगर को रोक पाएंगे, होने वाली डेथ्स को लगातार कम कर पाएंगे। जी, टेस्टिंग को लेकर एक सवाल है, क्योंकि आप मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, तो कितनी दिनों में रिपोर्ट सामने आ जाती है? और ये भी कि प्राइवेट लैब कहीं ना कहीं धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं। पहला सवाल कि टेस्टिंग की रिपोर्ट कितने दिनों में आती है, क्योंकि सस्पेक्टेड का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा कि प्राइवेट लैब जो मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाए सरकार की ओर से? देखिए, जो ये पहली रिपोर्ट की बात है तो ये रिपोर्ट जो है 2 दिन में निकल कर सामने आ जाती है, इसकी पहली रिपोर्ट। दरअसल अगर सपना किसी में भी ये टेस्ट, पहला टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो फिर उसके बाद उसका एक सेकंड कंफर्मेशन टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को NIV पुणे को भेजा जाता है, लेकिन अब वो जो है उसे यही कर लिया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर दो टेस्ट होते हैं कोरोना के। पहला टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो सेकंड किया जाता है, अगर पहला नेगेटिव आया तो सेकंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये घटनाक्रम बता रहा है कि ये जो टेस्टिंग वाला मामला है, और दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि क्या ये प्राइवेट लैब्स में जिस तरह की आशंका हो रही है, तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो उसने टेस्टिंग को लेकर अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। ICMR ने प्राइवेट लैब्स को साफ तौर पर कहा है कि आप आखिर किस किन परिस्थितियों में टेस्ट करेंगे, आप केवल उन्हीं परिस्थितियों में टेस्ट करेंगे जब एक रिकमेंडेड फिजिशियन आपको लिखेगा कि मुझे लगता है कि शायद आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन आप उसकी पहले जांच कराइए। तो अगर कोई रिकमेंडेड फिजिशियन लिख रहा है तो निश्चित तौर पर वो टेस्ट उसका किया जा सकता है, अन्यथा उसका टेस्ट नहीं करना होगा। लेकिन बावजूद अगर प्राइवेट कंपनियां ऐसा कर रही हैं, और मुझे लगता है सरकार की जानकारी में ही मामला सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर इसके सामने जो है कार्रवाई होगी। लेकिन अभी अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है सामने तो निश्चित चिंताजनक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी ललित, अब सरकार के सामने 2 चुनौती हैं, कोरोना से तो लड़ना ही है, कोरोना से लड़ने के लिए लगातार तैयारी भी की जा रही है, लेकिन लड़ना उन लोगों की भूख से भी है जिनके पास अब काम नहीं है, दिहाड़ी के मजदूर हैं, कमाने नहीं जा पा रहे हैं तो खा भी नहीं पा रहे हैं, अपनों को भी खिलाना है, खुद को भी जिंदा रखना है, इसलिए कमाना बेहद जरूरी है। तो अब सरकार उनके लिए तैयारियां कैसे कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नजर आ रही है, हम लगातार आदेश सुन रहे हैं, फैसले सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये आदेश फैसले धरातल तक नहीं पहुंच रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर इनका कोई मायने रह जाएंगे। क्यों 4 लाख लोगों को खाना भी केजरीवाल सरकार खिला रही है, बावजूद उसके इतने सारे लोग आनंद विहार पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो कौन है ये लोग? या फिर 4 लाख में सच्चाई नहीं है, या फिर इन लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है? देखिए, अब इसको थोड़ा इस तरह से हमको देखना चाहिए कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक मैसेज सर्कुलेट हुआ, उस मैसेज ने कहा कि आनंद विहार पर बसें आ रही हैं और आनंद विहार से आप जा सकते हैं, तो सवाल यह है कि आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है, किसने ये मैसेज जारी किया? ललित, आपके पास में आएंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्र सचिव की ओर से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि जो लॉकडाउन 21 दिन के लिए घोषित किया गया था पीएम मोदी की ओर से, वो 21 दिनों तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो चिंता का विषय नहीं है, आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि कुछ लोग ये सोचकर भी बैठे हैं कि 21 दिन से ज्यादा इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, सरकार 21 दिन से ज्यादा बढ़ा सकती है, ऐसी अफवाह फैल रही है। तो इसको लेकर केंद्रीय सचिव का यह बड़ा बयान सामने आया है कि कोई प्लानिंग नहीं है आगे बढ़ाने की, 21 दिन का मतलब 21 दिन है, 21 दिन ही होगा भारत में लॉकडाउन, जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित किया गया था। ललित का रुख कर लेंगे, ललित, ये बड़ा बयान केंद्रीय सचिव की ओर से जो है जारी किया गया है, और ऐसे वक्त में जब अफवाह फैलाई जा रही है कि 21 दिन से ज्यादा हो सकता है लॉकडाउन, देखिए ये जो अफवाह उड़कर सामने आ रही थी लगातार कि ये जो लॉकडाउन है इसमें लोग इसलिए भी घर से बाहर निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो लॉकडाउन है ये 21 दिन से भी आगे जा सकता है, तो ऐसे में उनका प्लान जो था वो ये सोच कर भी हो रहा था कि ये 21 दिन की बात नहीं है,
ये आगे जाने वाला है, क्योंकि सरकार की जो बाकी अनाउंसमेंट हैं वो अब बैंकिंग से जुड़ी हुई हो, ईएमआई से जुड़ी हुई हो या फिर दूसरी जो है वो लगातार 3-3 महीने की आ रही थी, यानी कि 3 महीने की ईएमआई माफ़ हो गई, 3 महीने तक आप इनकम टैक्स से उनको रिबेट दे दी गई जो भरने की जो डेट तारीख है, इसलिए और खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सपना, मैं आ रहा हूँ आपके आपके उसी बात पर आ रहा हूँ कि लगातार इस तरह की मामलों को जोड़ते हुए एक अफवाह बन रही थी कि सरकार इसे 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन लेकिन कैबिनेट सचिव ने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी सरकार के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि ये 21 दिन से हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, और कुल मिलाकर इस तरह की जो अफवाहें हैं ये पूरी तरह से गलत हैं और इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ललित एक एक सवाल है, अफवाहों को हम भी निराधार बताते हैं, हम जहां पर भी अफवाह होती है अपने दर्शकों को जागरूक करते हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, 72 केसेस दिल्ली से अकेले आ गए, 23 केसेस एक ही दिन में बढ़ गए हैं, 1024 हो गया है, अगर स्थिति इसी तरीके की बनी रहती है और आगे इसी तरीके से आंकड़े तेजी से बढ़ते जाते हैं तो क्या 21 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगता कि बढ़ सकता है? अभी भी हम सकता है कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बढ़ाएगी ही। देखिए सपना, कोई इस मामले में प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है कि ये कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एक दिन में कितना सडन राइज हो जाएगा। अब आप देखिए, केजरीवाल सरकार का एक बयान था कि उन्होंने कहा था कि हम अगर हर दिन में 1000 मामले बढ़ते हैं तो हमारी तैयारी उस हिसाब से है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि सरकारों को अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। अब अगर मैं आपकी बात पर आऊं तो क्या कभी अमेरिका सोच सकता था कि उसके वहां 1.25 लाख लोग पॉजिटिव हो जाएंगे? क्या कभी अमेरिका सोच सकता था कि उसके वहां ऐसी स्थिति आ जाएगी? क्या कभी चीन सोच सकता था कि उसका एक शहर बंद करना पड़ जाएगा और वो भी काफ़ी बड़ा शहर? तो आप ये सोचिए, इस बीमारी को लेकर किसी भी तरह का प्रिडिक्शन करना बड़ा आसान काम नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हर आदमी चाहता है कि मामले कम हो, लेकिन मामले कितने बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे, किस हिसाब से बढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि सरकारों का काम है जो मामले आपके सामने निकल कर सामने आ रहे हैं आप उनको सही तरीके से क्वारंटाइन कीजिए। हाँ। आप उनके संपर्कों को तलाशिए, कौन कौन वो लोगों से मिले हैं, जन लोगों से मिले हैं उन लोगों को क्वारंटाइन कीजिए। सरकार मतलब अपनी तैयारी करके रखे और आने वाले आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयारी की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहे, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की ओर से कि 21 दिन का मतलब 21 दिन है, 21 दिन ही लॉकडाउन होगा, आप अफवाहों पर विश्वास ना करें।